इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं हमारा इकोलॉजी का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम आज बेसिकली दो टॉपिक्स करने वाले हैं। वन विल बी इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड अनदर विल बी इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इकोलॉजिकल पिरामिड्स से। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स में हम बेसिकली इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उनका स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं, जैसे हमने फूड चेन में किया था ना एरोस के साथ। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स में आप उनका रिलेशनशिप शो कर सकते हो कि कौन सी चीज कैसे मूव कर रही है। तो सबसे पहले जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट था वो चार्ल्स एल्टन ने इंट्रोड्यूस किया था 1920s में। उन्होंने ये नोट किया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट लार्जर ऑर्गेनिजम्स हायर इन फूड चेन। ठीक है, जो लार्जर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जैसे आपका ग्रास, ग्रास ऊपर, देन सपोज हम करते हैं कि एक बर्ड है ना, और उसके ऊपर हम सपोज करते हैं एक लायन है फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसा तो चलो पॉसिबल नहीं है, बट ये जो है ना, जो लार्जर एनिमल्स है ना, वो बहुत हायर जो फूड चेन के ऊपर भी हैं वो, और उनका नंबर भी कम है एज कम्पेयर टू जो स्मॉलर वंस हैं, जो छोटे हैं। अब जैसे ग्रास ऊपर्स हैं, उनका नंबर भी बहुत ज्यादा है और वो नीचे के ट्रॉफिक लेवल्स पे होंगे, हमेशा नीचे होंगे, है ना। दे शो द रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, ये कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है। तो हम इसको एक दिखाते हैं, इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उनका फंक्शन, स्ट्रक्चर, वो सब इकोलॉजिकल पिरामिड में दिखाया जाता है। तो हमारे पास तीन तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर में हम हर लेवल पे जैसे जैसे नंबर्स काउंट करेंगे, जैसे हमने ग्रास, ग्रास ऊपर, बर्ड की देखी ना, तो हम नंबर काउंट करेंगे, हम कहेंगे ग्रास के कितने ट्रीज हैं, 1000 हैं, ग्रास ऊपर कितने हैं, 100 हैं, बर्ड्स कितने हैं इनको खाने वाले, 50 हैं, तो हम नंबर काउंट करेंगे। ओके, बायोमास में हम इनका बायोमास, इनका वेट काउंट करेंगे, इनका वेट, इनका ड्राई वेट काउंट करेंगे। ओके, तो वो कैसे होगा। और एनर्जी में हम एनर्जी ट्रांसफर, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल तक जाते जाते एनर्जी जो है वो कैसे ट्रांसफर होगी। ओके, तो सबसे पहले नंबर की बात करते हैं। द पिरामिड ऑफ नंबर्स मे बी डिफाइंड एज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया में हम कहें कि एक किलोमीटर के एरिया में कितने नंबर्स हैं, हम एक किलोमीटर के एरिया की फूड चेन बना रहे हैं, तो पर यूनिट एरिया में हम काउंट कर लेंगे कि नीचे प्रोड्यूसर्स कौन से हैं, ऊपर कार्निवोरस और टॉप के कार्निवोरस कौन से हैं। ठीक है, अब ये जो पिरामिड का नंबर है ना, तो पिरामिड का नंबर जैसे एनर्जी का पिरामिड है, वो हमें पता है कि ऊपर जाते जाते एनर्जी कम ही होगी, तो हम ऐसे बना सकते हैं ना, नीचे बड़ा फिर छोटा, क्योंकि एनर्जी 10% लॉ फॉलो कर रही है, सिर्फ ये इसको 10% ही मिलेगा, इसको इसको इसका 10 मिलेगा, तो ऐसे जाएगा। लेकिन पिरामिड का नंबर कभी भी कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है कि ऐसे ही जाएगा, पिरामिड में नंबर में कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। कैसे देखते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट कब होगा। ठीक है, पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो अपराइट कब होगा, ये देखो अपराइट कब होगा। इन ग्रासलैंड एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट। ठीक है, इसको याद रखो। कैसे अपराइट का मतलब, जो नीचे का लेवल है ना वो सबसे बड़ा होगा। ऐसा क्यों होगा, ग्रासलैंड में हम ग्रासेस को काउंट करेंगे, मैं कहूंगी नंबर ऑफ ग्रास के प्लांट्स कितने हैं, लाखों प्लांट्स होंगे, है ना, तो इस वजह से नीचे का नंबर हमेशा ज्यादा होगा। सेम गोज विद एक्वेटिक में, हम कहेंगे नंबर, एक्वेटिक कहां से शुरू होते हैं फूड चेन, बताओ, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था फाइटोप्लैंक्टन से, है ना, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन कितने हैं, तो वो भी हजारों में होंगे, लाखों में होंगे, तो इस वजह से हमेशा ये ऐसे नीचे एक बड़ा सा बेस होगा। प्रोड्यूसर्स इन द ग्रासलैंड आर ग्रासेस एंड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर फाइटोप्लैंक्टन दैट इज एल्गा विच आर स्मॉल इन साइज एंड लार्ज इन नंबर पर यूनिट एरिया, है ना, नंबर ज्यादा होगा, साइज इनका स्मॉल होगा, तो प्रोड्यूसर जो है वो एक हमेशा ब्रॉड बेस सा नीचे बनाएंगे। उसके बाद हर्बीवोरस आ जाएंगे इनके ऊपर जो ग्रासलैंड है, अब जैसे ग्रास ऊपर है, ठीक है, वो इंसेक्ट आ गया, उसके बाद फ्रॉग आ गया ग्रास ऊपर को खाने वाला, उनका नंबर कम हो जाएगा। हमने पीछे पढ़ा ना कि जितना साइज बड़ा उतना उनका नंबर कम होता जा रहा है, क्योंकि चार, अगर क्योंकि एक ग्रास ऊपर सपोज एक प्लांट खाएगा, अगर फ्रॉग है, फ्रॉग तो बड़ा है ना, तो एक फ्रॉग एक ही ग्रास ऊपर थोड़ा खाएगा, एक फ्रॉग दो भी खा सकता है, एक फ्रॉग चार भी खा सकता है, है ना, ऐसे चलेगा ना, क्योंकि वो बड़ा है, उसको ज्यादा खाना चाहिए, उसको ज्यादा वो है, उसकी डाइट जो है ज्यादा होगी, और जो इसके टॉप का होगा, अब ईगल है, ठीक है, ईगल अगर फ्रॉक को खाती है, ईगल बड़ी है तो वो जरूरी थोड़ा एक ही फ्रॉक को खाएगी, वो कम ईगल ज्यादा फ्रॉक को खा जाएगी, तो इस वजह से जो नंबर है ऐसे अपराइट जो है हो जाएगा।
सिमिलरली हम एक्वाटिक में भी ऐसे ही देखेंगे, फाइटोप्लैंक्टन, इसके ऊपर जूप्लैंक्टन, फिर उसके ऊपर छोटी फिश, बड़ी, अब बड़ी फिश एक ही फिश थोड़ो खाएगी, छोटी बड़ी फिश तो कई सारी फिशेस खा जाएगी, तो इस वजह से नंबर ऊपर ऊपर जो है डिक्रीज होता जाएगा और हमें मिलेगा एक एक्वाटिक, सॉरी एक जो अपराइट जो है आपका पिरामिड ऑफ नंबर। आपको पूछ सकते हैं कि ग्रासलैंड और एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो अपराइट होगा, इन्वर्टेड होगा, क्या शेप होगा उसका, ठीक है। ये देखो फाइटोप्लैंक्टन, ये छोटी फिश बड़ी फिश उससे बड़ा, तो ऐसे ही सेम ये यहाँ पे भी आपका चला ग्रासलैंड और पॉन्ड के ऊपर, क्लियर है। पिरामिड ऑफ नंबर स्पिंडल शेप कहाँ पे होगा, हाँ ये देखो ठीक है कि आपको स्पिंडल शेप भी है जहां पे आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम लार्ज साइज ट्रीज आर द प्रोड्यूसर, एक बहुत बड़ा ट्री है उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स और बर्ड्स फीड कर रहे हैं, तो ट्री तो एक ही हुआ ना नंबर, तो ट्री का बहुत बड़ा है ट्री फॉरेस्ट में, ग्रास में तो नंबर ऑफ ग्रास प्लांट्स करेंगे लेकिन हम फॉरेस्ट में एक ट्री काउंट करेंगे, तो ट्री तो एक ही हुआ। अब इस ट्री के ऊपर जो बर्ड्स हैं, सपोज इस ट्री के ऊपर 10 बर्ड्स हैं, वो सारे एक ही बर्ड, सपोज 10 बर्ड्स जो है इसके ऊपर फीड कर रहे हैं, अब इन 10 बर्ड्स को 2 स्नेक्स खा जाते हैं, 2 स्नेक्स हैं वो 5-5 बर्ड्स खा जाते हैं, अब उसके ऊपर इन 2 स्नेक्स को एक लाइन खा जाता है, तो 1, 2, 10, 1 तो अलग सी शेप होगी ना, तो इस वजह से ये जो है आपका स्पिंडल शेप हो गया। तो फॉरेस्ट में जो इको नंबर ऑफ पिरामिड है दैट विल बी इन अ डिफरेंट शेप कॉल्ड स्पिंडल शेप, क्योंकि जो बेस होगा वो नैरो हो जाएगा क्योंकि वहां पे एक ही ट्री है। द ट्री सपोर्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ हर्बीवोर्स लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फ्रॉग्स को इसको ये सपोर्ट करेंगे। देर आर लार्ज इन नंबर इन ट्रीज एंड हेंस फ्रॉम अ मिडल ब्रॉड लेवल हो जाएगा हर्बीवोर्स का, और ऊपर ऊपर जाता ये हमारा जो है वो हो जाएगा, और हमने समझा इस वजह से ये हमारा पिरामिड जो है वो अलग ही एक शेप ले लेगा जिसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप। ओके, पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड भी हो सकता है, देखो पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड भी होगा इन अ पैरासिटिक फूड चेन, फॉर एग्जाम्पल जो प्रोड्यूसर्स हैं लाइक फ्यू बिग ट्रीज ऑफर फूड टू क्वाइट अ लॉट ऑफ फ्यूगीवोरस, फ्रूगीवोरस बर्ड्स क्या होते हैं जो सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं। ओके, तो फ्रूगीवोरस बर्ड्स जो सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे, तो नीचे ट्री है, ट्री हम मानते हैं एक ही है, इस ट्री के ऊपर 10 बर्ड्स बैठे हुए हैं, ठीक है 10 बर्ड्स सिर्फ फ्रूट्स ही खाते हैं। अब ये जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट्स बहुत होते हैं, पैरासाइट्स हमने देखा था कि पैरासाइट्स क्या होते हैं जो होस्ट के ऊपर रहते हैं, तो अगर हम बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट्स काउंट करेंगे तो 10 बर्ड्स के ऊपर हजारों पैरासाइट्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है, बग्स लाइफ इनके ऊपर, और इन पैरासाइट्स के ऊपर जो है इन पैरासाइट्स के ऊपर भी फीड करने वाले, अब इस पैरासाइट के ऊपर एक पैरासाइट के ऊपर माइक्रोब है, तो एक बैक्टीरिया है, तो एक पैरासाइट के ऊपर कितने ही बैक्टीरिया फीड करेंगे, तो इस वजह से ये नंबर जो है अगर हम पैरासिटिज्म में देखेंगे तो इन्वर्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट इज पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास उसका वेट हो गया, अगर हमने ग्रास प्लांट्स हैं हम इन सबका वेट निकाल लेंगे, ग्रास ऑपर्स का वेट निकाल लेंगे, फिर हम फ्रॉग का वेट निकाल लेंगे, फिर हम लायन का वेट निकाल लेंगे, है ना, तो ये सब बातें। अ पिरामिड ऑफ बायोमास शो द रिलेशनशिप बिटवीन बायोमास एंड ट्रॉफिक लेवल बाय क्वांटिफाइंग द बायोमास प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम। ओके, तो हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब करते हैं तब हमारे पास पिरामिड ऑफ बायोमास आ गया, जो अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, जैसे हमने इसको काउंट किया ग्रास को, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमने प्लांट्स और ट्रीज को काउंट किया, भाई वो बहुत ज्यादा नंबर में होंगे, उनका वेट भी 1000 किलो, हर्बीवोर्स है उनका 100 किलो, 10 किलो प्राइमरी, और ये ऐसे जो है अपना हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर द पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज अपराइट विद प्रोड्यूसर्स फॉर्मिंग द ब्रॉड बेस एंड कंज्यूमर जो है वो एक नैरो टॉप जो है फॉर्म करेंगे। पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड कहां पे होगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम में, क्योंकि एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन वो ऑलमोस्ट मासलेस होते हैं, उनका कोई वेट ही नहीं होता, वो लाखों करोड़ों भी आ जाएंगे ना उनका कोई वेट नहीं होगा। इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड एज द स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, जो कि मेजर प्रोड्यूसर्स होंगे उनका बायोमास बहुत ही कम है एज कंपेयर टू फिश और इंसेक्ट्स, तो इस वजह से बड़ी फिश का बड़ा वेट है ना, तो इस वजह से नंबर कुछ भी हो लेकिन यहां पे जो बायोमास पिरामिड है वो इन्वर्टेड हो जाएगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये हमने पीछे भी पढ़ा कि 10% लॉ होता है, व्हेन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल ओनली 10% ही यूटिलाइज होती है, 90% लॉस हो जाती है। अगर 100 kcl एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास है
तो हर्बीवोर्स को 10 मिलेगी और उससे ऊपर वालों को सिर्फ 1 ही मिलेगी। तो ये हमेशा ही अपराइट होगा, 110 1 0 पॉइंट, इसका कभी भी कोई और शेप नहीं हो सकता। ठीक है जी, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं कि सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉफिक लेवल। अब ग्राफ ऊपर जो सेकंड पे भी हो सकता है, थर्ड पे भी हो सकता है, स्नेक जो है थर्ड पे भी हो सकता है, फोर्थ पे भी हो सकता है, तो उसको काउंट नहीं करते ये। इनको लगता है कि एक सिंपल सी फूड चेन है, ठीक है, वो उसको खा रहे, वो उसको खा रहे, लेकिन हम देखते हैं नेचर में ऐसा नहीं है। नेचर में फूड चेन्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड नेचर में जो कौन चीजें हैं वो है फूड वेब की फॉर्म में, है ना। और दूसरा यो है जो डिकेइंग हमारा एनिमल्स होते हैं, जैसे फंगस हो गई और माइक्रोब्स जो डेट्रीवोरस वो होते हैं, उसको इकोलॉजिकल पिरामिड्स कंसिडर नहीं करते। ओके, तो तीन, तो एक तो ये जो स्पीशीज एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे बिलोंग करती हैं उसको नहीं काउंट करते। दूसरा ये है कि इनको लगता है कि सिंपल फूड चेन है जो कि नेचर में पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा ये है कि जो हमारे सेप्रोफाइट्स या डेट्रीवोर्स हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? देखो, जो हम आज देखते हैं कि फॉरेस्ट बने हुए हैं ये सब, है ना, हम बात करते हैं कि अर्थ पे कभी आइस एज हुआ करता था, है ना, तो अर्थ सारी ही आइस एज के अंडर थी। तो अब आज हम देखते हैं वहां पे फॉरेस्ट है अर्थ पे कई जगह पे, तो आपको क्या लगता है कि एकदम से फॉरेस्ट आ गए, एकदम से ट्री बन गया अर्थ के ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब सिर्फ अभी भी ये तो चीजें हम आज भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई भी एक ऐसे बैरन लैंड होगी, कोई भी एक एरिया होगा, है ना, खाली एरिया पड़ा होगा, कहीं ऐसे मिट्टी भी इकट्ठी हो रखी होती है ना, उसमें भी हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद क्या होती है, छोटी छोटी घास उगने लग जाती है ना। अगर उस घास को फिर वो घास अपने आप बदल के फिर उसमें छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं, कोई फूल लग गए, कुछ ऐसा हो गया, फिर बड़े प्लांट्स हो जाते हैं। तो अपने आप, उसको तो कोई पानी नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, कहीं पे ऐसे आसपास आपके कोई खाली प्लॉट पड़ा हो, अपने आप चीजें वहां पे ग्रो कर जाती हैं। तो अपने आप लेयर्स चेंज होती है, जैसे आज ये हो रहा है, फिर कुछ टाइम बाद दूसरी चीज आ जाएगी, फिर तीसरी चीज आ जाएगी। तो ये क्या चीजें होती हैं? ये होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन स्पीशीज स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ वो कैसे हो जाता है? कई बार क्या हो जाता है, ये टाइम स्केल होता है वो डेकेड्स भी हो सकता है। अगर कोई आज फॉरेस्ट है उसमें आग लग गई, ओके, आग लग के सारा तबाह हो गया, तो उसमें जो ये कंटिन्यूस चेंजेस है ना, ये कुछ सालों तक होते रहेंगे, 10-20-30 सालों तक उनके कंटिन्यूसली चेंजेस होते रहेंगे। और एक स्टेज ऐसी आती है कि एक पर्टिकुलर चीज आ गई, एक पर्टिकुलर ट्री आ गया, अब यही रहेगा, अब वो दोबारा से ग्रासेस नहीं उगेंगी। ओके, और कईयों पे अगर बिल्कुल ही कोई मास एक्सटिंक्शन हो जाए, आज पूरे की पूरी अर्थ खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए यहां से, तो धीरे 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 ये चीजें दोबारा से ओरिजिनेट होंगी। जैसे जो स्टार्टिंग में हुआ होगा कि आइस एज के बाद जो अर्थ पे ट्रीज आए होंगे उनको लग गए मिलियन ऑफ ईयर्स। ओके, तो ये फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। जो कम्युनिटी सबसे पहले आएगी उसको हम बोलते हैं पायनियरिंग कम्युनिटी, जो सबसे लास्ट में आएगी उसको हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो सबसे स्टेबल कम्युनिटी होगी उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके, इट इज एन ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ चेंजेस इन स्पीशीज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विद सम टाइम विद इन अ कम्युनिटी। एक ही कम्युनिटी में टाइम चेंजेस होते रहते हैं, नेचुरल प्रोसेस है ये। ठीक है, फिजिकल जो इन्वायरमेंट है वो अपने आप उसको करेगा, वहां का लाइट, स्पेस, टेम्परेचर, रिसोर्सेज, इन सब के बेसिस पे ये जो प्रोसेस है अपने आप चलेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ओके, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। और इसमें जो है अपने आप जो स्पीशीज है वो रिप्लेस होती रहती हैं, पहले एक स्पीशीज आएगी, दूसरी स्पीशीज आएगी, और फाइनली एक ऐसी स्पीशीज आ जाएगी जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होगी, जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, उस स्पीशीज को हम बोलेंगे क्लाइमेक्स स्पीशीज। ओके, और ये जो एंटायर सीक्वेंस है ना, फर्स्ट स्टेज, जैसे मैं स्टेज बोल रही हूँ उसको हम वर्ड यूज करते हैं सीरा। ओके, सीरियल स्टेजेस हम कहेंगे, फर्स्ट सीरियल स्टेज, सेकंड सीरियल स्टेज, ये जो इनिशियल स्टेज है वो पायनियर है, जो लास्ट स्टेज है वो है क्लाइमेक्स। ओके, तो ये सक्सेशन जो है ये होता क्यों है, सक्सेशन का क्या पर्पस है, क्यों नहीं? सबसे पहले तो होता है कि क्लाइमेट है ना, बारिश हो जा रही है, कोई सॉइल से इधर उधर से बीज जुड़ के आ गए, तो अपने आप वहां पे जो सक्सेशन है वो हो जाएगा। वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई, नई जगह एक्सपोज हो गई, सॉइल इरोजन होके कहीं और चला गया, एक्टिविटीज हो गई ऑर्गेनिजम्स की, इस वजह से जो सक्सेशन जो है वो शुरू होता है। दूसरा है एसिस और कंटिन्यूइंग कॉजेज। एसिस वर्ड आप याद रख लो, एसिस वर्ड होते हैं कंटिन्यूसली डिस्पर्सल, किसने यहाँ पे सीड्स फेंक दिए, सीड्स यहां से माइग्रेट करके दूसरी जगह चले गए, कंपिटिशन, रिएक्शन, ये कंटिन्यूस चेंजेस हैं। उसके बाद स्टेबलाइज होगी जब कम्युनिटी, तो आपकी वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है स्टेबलाइज करने के भी अलग अलग रीजन होंगे। ओके,
सबसे पहले है प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन कहां पे होगी? जहां पे आपके कुछ भी नहीं है। ये देखो एक्सपोज्ड रॉक्स, ठीक है, बिल्कुल नई फ्रेश रॉक है, इसमें कुछ भी आपसे पहले ग्रो नहीं हुआ। सबसे पहले ये रॉक पड़ी हुई है, देखो ये रॉक के आपको पत्थर दिख रहे हैं, है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें कुछ आप सोच सकते हो ट्री ग्रो हो जाएगा? नहीं होगा। कैसे? तो ये रॉक रॉक पड़ी हुई है, तो इसके ऊपर सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है ना, वो होती है माइक्रोब्स की, ठीक है। माइक्रोब्स फिजिकल, हम पढ़ते हैं सॉइल इरोजन, सॉइल आपका वेदरिंग के, हम पढ़ते हैं ना वेदरिंग, हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल, तीन तरीके की वेदरिंग होती है। तो इसकी सबसे पहले होगी वेदरिंग, ओके। रॉक्स टूटेंगी, रॉक्स टूट के क्या बनाएंगी? एक थोड़ा सा मिट्टी जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगी, तो वेदरिंग होगी। और इस वेदरिंग में हेल्प करेंगे इनको सबसे इनिशियल स्टेजेस के प्लांट के स्पीशीज, दैट आर लाइकन्स एंड मॉसेस। तो लाइकन्स एंड मॉसेस जो है दे आर योर पायनियरिंग स्पीशीज, ओके। तो ये आपको पेपर में पूछ सकते हैं, अभी आया भी था यूपीएससी में क्वेश्चन कि पायनियरिंग स्पीशीज कौन से हैं, लाइकन्स एंड मॉसेस दोनों। तो लाइकन्स ग्रो हो जाएंगे, लाइकन्स के क्या प्रॉपर्टी कि वो पत्थरों पे भी ग्रो हो जाती है, तो वो ग्रो हो जाएगी। लाइकन्स और मॉसेस कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे जिससे ये पत्थर वीक पड़ेंगे और धीरे धीरे ये ब्रेक डाउन होकर एक सॉइल की फॉर्म सा लेना शुरू कर देंगे। तो जैसे जैसे ये सॉइल की फॉर्म लेना शुरू करते रहेंगे, बारीक होते जाएंगे, तो वहां पे हमारे पास कुछ प्लांट्स आ जाएंगे, वीड्स ग्रो करने लग जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, जब ये सॉइल बनती जा रही है देन यहाँ पे आ जाएंगी हमारी ग्रासेस, फिर कुछ सालों बाद ग्रासेस रिप्लेस हो जाएंगे, श्रब्स आ जाएंगे, झाड़ियां, कुछ सालों बाद श्रब्स भी रिप्लेस हो जाएंगे, और फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा? एक बड़ा सा फॉरेस्ट, ओके। सो दिस इज प्राइमरी। लेकिन इस सबको होने में ना बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम, क्योंकि रॉक्स है, रॉक से फॉरेस्ट में कन्वर्ट होने में लाखों साल लग जाएंगे, ओके। प्राइमरी है ये, प्राइमरी जो सक्सेशन है ना, इट स्टार्टेड इज अ न्यूली फॉर्म्ड एरिया जहां पे एनवायरमेंटल कंडीशंस एलिमेंट्री हैं, सच एज बेयर एरिया है, लावा से बना हुआ है, कोई भी नया पॉन्ड है, कोई भी नया सैंड ड्यून है, कुछ भी बेयर रॉक है, बिल्कुल फ्रेश चीज है बिल्कुल, और भी उसमें कुछ भी पहले नहीं था। तो प्राइमरी एरिया में कोई बायोलॉजिकल लेगेसी नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई सीड नहीं है, कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। एरिया जो है यहाँ पे कभी कोई कम्युनिटी नहीं थी, कोई सीड्स नहीं थे, कोई प्रोपेग्यूल्स नहीं थे, ओके। फॉर एग्जांपल जी आर्क सक्सेशन, ठीक है, जो कि एक ड्राई लैंड के ऊपर शुरू होती है, वहां पे लाइकन से फॉरेस्ट में ये कन्वर्ट होगी। स्टेजेस की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने आएंगे। सबसे पहले है न्यूडेशन, ठीक है, सक्सेशन बिगेन्स विद डेवलपमेंट ऑफ बेयर साइट। सबसे पहले तो एक बेयर साइट, बेयर रॉक होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे न्यूटेशन। माइग्रेशन, अब यहाँ पे कुछ प्रोपेग्यूल्स, कुछ सीड्स जो हैं वो धीरे धीरे माइग्रेट करके आएंगे, लाइकन के सीड्स आगे मॉसेस के वो ग्रो करेंगे, है ना, लाइकन अपने आप तो उगेगी नहीं, उसके भी सीड्स होंगे। फिर यहाँ पे एसेसिस होगा, एसेसिस मतलब इनिशियल ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, जो हमारी इनिशियल वेजिटेशन ग्रो हुई है, ग्रासेस। फिर कंपटीशन होगा, दो तीन तरह की प्लांट्स ग्रो करेंगे, उसमें से एक प्लांट सरवाइव कर जाएगा, बाकी सारे जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। एज वेजिटेशन बिकम वेल एस्टैब्लिश, ग्रो एंड स्प्रेड, वेरियस स्पीशीज बिगेन टू कम्पीट फॉर स्पेस, लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। फिर रिएक्शन करेंगे आपस में, ठीक है, ह्यूमस हो जाएगा जनरेट, और एक प्लांट कम्युनिटी दूसरी प्लांट कम्युनिटी से रिप्लेस होती रहेगी, उसको हम बोलते हैं रिएक्शन। और फाइनल जो आ जाएगा स्टेबलाइजेशन, एक हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाएगी, उसको हम बोलते हैं स्टेबलाइज हो गया, है ना। जैसे यहाँ पे ये फाइनल कम्युनिटी, अब ऐसा तो है नहीं ये खत्म होगा दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, नो। अब वहां पे ट्रीज हैं, ये मर भी गया ट्री तो ट्री ही उगेगा, ठीक है, ये सब नहीं होगा, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, यही स्टेबल कम्युनिटी है। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होगी? जहां पे ऑलरेडी पहले से फॉरेस्ट था, अभी देखो ये एक फॉरेस्ट है, यहां पे आग लगी, ठीक है, आग लगी, सब खत्म हो गया, तो पहले साल तो कुछ नहीं हुआ, आग ठंडी होगी धीरे धीरे, सॉइल ठंडी होगी। अब क्या होता है ना, अब जब आग लगी तो कई बार इनके जो सीड्स सूड्स होते हैं वो नीचे दबे रह पड़े होते हैं, कई सारे सीड्स एक्टिवेट भी होते हैं, पता है आपको, आग लगने से। तो एक या दो साल में ना कुछ ग्रासेस ही ग्रो करने लग जाएंगी, अब वहां की और वहां की ग्रासेस में देखो फर्क देखो, फिर तीन चार साल में ग्रासेस, फिर सीधा बड़े बड़े ट्रीज, और फाइनली जो वहां पे प्रॉपर आपका स्टेबल एक कम्युनिटी है वो हो जाएगी। तो सेकेंडरी कम्युनिटी जो है वो फायर होने के बाद होगी, और ये थोड़ा फास्ट होगी।
सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट्स इन एरिया प्रीवियसली ऑक्यूपाइड बाय अ कम्युनिटी बट नाउ डी वेजिटेटेड बाय सम नेचुरल या फिर कोई फायर स्टॉर्म ऐसी कोई एक्टिविटी हो गई, कोई ट्री कटिंग हो गई, कोई डिजीज आ गई, कोई किसी भी रीजन से अब वहां पे जो चीज आपकी नहीं होती. आफ्टर सेवरल ईयर्स सम न्यू कम्युनिटी दोबारा से स्टार्ट होने लग जाएगी. इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन. द एरिया इज नॉट हैविंग लिविंग मैटर अबव ग्राउंड. लिविंग मैटर नहीं है, कोई माइक्रोब नहीं है, लेकिन नीचे दबे हुए तो सीड्स हैं. ठीक है, नीचे दबे हुए सीड्स तो हैं. बट इट्स सबस्ट्रेटम इज बिल्ट ऑन द न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिक मैटर और प्रोपेग्यूल्स डिपॉजिटेड बाय प्रीवियसली ऑक्यूपाइड कम्युनिटीज. हमने वहां पे देखा प्राइमरी में कुछ भी बायोलॉजिकल लेगेसी नहीं है, लेकिन इसकी लेगेसी है. तो सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो काफी फास्ट है एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन. ओके जी, एक होती है ऑटोजेनिक सक्सेशन, एलोजेनिक सक्सेशन. ऑटो अपने आप से हो जाना, अपने आप मॉडिफाई करना, ठीक है. और एलोजेनिक होता है जो बेसिकली एग्जिस्टिंग कम्युनिटी जो हम ये फायर फ्यूल से या ह्यूमन एक्टिविटी से रिप्लेस होती है, दैट इज एलोजेनिक. ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन होगा जहां पे ग्रीन प्लांट्स डोमिनेटेड होंगे. इट स्टार्ट्स इन प्रीडोमिनेंटली इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट एंड एनर्जी फ्लो इज मेंटेन्ड फॉलोड बाय इंक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता रहेगा. हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन में जो डोमिनेंस होगा वो बैक्टीरिया, फंगस और इन सब का होगा. ओके, ये ज्यादातर सीवेज वगैरह में होता है. नॉर्मली तो हम देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक ही है, प्लांट्स की ही सब जगह जो आपने आसपास अपने एरियाज देखे होंगे ऑटोट्रॉफिक ही मिलेंगे आपको, ठीक है. लेकिन अगर आप सीवेज या एनरोबिक कंडीशंस में जाके देखोगे ना, रिवर्स के नीचे ये सब, तो वहां पे हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन होगा. ओके, हाइडार्क एंड जियाक सक्सेशन क्या होते हैं? हाइडार्क जहां पे आपका पानी है, जियाक जहां पे पानी नहीं है, ड्राई एरियाज. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट वेयर द प्रोसेस बिगेन्स द सक्सेशन इज हाइडार्क और हाइड्रोसीरी. इफ इट स्टार्ट्स इन सबस्ट्रेटम जहां पे पानी बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल पॉन्ड में, लेक में, स्वैम्प्स में शुरू हुई, ठीक है. जियार्क कहाँ पे होगा? जो ड्राई कंडीशंस हैं. जियार्क इस जो जियार्क है वो आगे हम लिथोसीरी में काउंट कर सकते हैं. लिथोसीरी मतलब रॉक्स में होना, सेमोसीरी सैंड पे होना, हेलोसीरी सलाइन सॉइल पे होना, ठीक है. तो पानी ज्यादा हाइडार्क, बिल्कुल पानी नहीं जियाक. जहां पे पानी ठीक है, मॉडरेट सा है, इट इज मिजाक. तो ये टर्म्स याद रखनी है, पैसो मेरी सैंड के ऊपर, हेलो उसके ऊपर, लिथो रॉक्स के ऊपर. फीचर्स ऑफ पायनियर स्पीशीज, जो बिल्कुल नई स्पीशीज आएंगी उसका क्या है? इट शुड हैव हैबिट ऑफ एक्सप्लोरिंग न्यू हैबिटेट. नई जगह पे अडेप्ट होनी चाहिए. इट शुड बी अजाइल इन नेचर. इट शुड हैव ग्रेट एबिलिटी अडेप्ट कर ले ये. इट शुड हैव वाइड चॉइस ऑफ फूड, है ना. ये काफी इसकी चॉइस होनी चाहिए. ऐसा नहीं मैं तो यही खाऊंगी तो और वो ना मिले आपको नई जगह पे. इट शुड बी अ गुड ब्रीडर, मतलब मल्टीपल इसकी स्पीशीज प्रोड्यूस होनी चाहिए और ये एक टॉलरेंट स्पीशीज होनी चाहिए. ओके, ये आपको पता है क्या है? ये आपको डिटेल में नहीं करने की जरूरत. ये बेसिकली एक पॉन्ड में जो सक्सेशन होती है ना, उसकी स्टेजेस हैं. तो आपको ये अरेंज करने आएंगी. पहले फाइटोप्लैंक्टन है, अभी कुछ नहीं है, पानी पानी है. धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अगर आप उसको क्लीन नहीं करोगे, प्रोपेग्यूल्स आगे, तो जो ग्रासेस बनेंगे उसको हम बोलते हैं रीड स्वैम स्टेज. ओके, फिर आ जाती है आपकी सबमर्ज्ड प्लांट स्पेस और मार्श मिडो स्टेज. तो ये आपको याद रखना है, ठीक है. सबमर्ज्ड, फ्री फ्लोटिंग एंड स्क्रब स्टेज, रीड, मार्श, ये वर्ड्स जो है याद रखने हैं. ओके, उसके बाद इसके कुछ एमसीक्यूज हैं, ठीक है. इकोलॉजिकल पिरामिड्स, अनलाइक इन ग्रेजिंग फूड चेन, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड एक्वेटिक फूड चेन इज इन्वर्टेड. ये मुझे बताओ है कि नहीं सही. तो इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट. सिंस द सन इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन डेट्रिटस फूड चेन, देयरफॉर पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इन्वर्टेड हियर. हाँ, इनकरेक्ट बताना है. टेल मी द आंसर्स इन योर कमेंट सेक्शन. ओके, इसका भी मुझे आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है जी. तो इस वीडियो में इतना ही है. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ.